सब्सक्राइब करें इंडिया ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। दीपक और सोमी के बीच में हमें प्यार भरी तीखी नोकझोंक देखने को मिलती है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से इन दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हैं। इन दोनों के बीच में दूरियां इस कदर बढ़ गई हैं, अब ये दोनों एक दूसरे से बातें भी नहीं करते हैं। दरअसल सोमी खान ने दीपक ठाकुर के साथ इतना बुरा बिहेव किया, जिस वजह से दीपक ठाकुर अब इतने नाराज हो गए हैं कि वो सोमी खान से बात करना भी पसंद नहीं करते हैं। और दीपक ठाकुर ने कहा कि अगर मेरी जगह कोई और होता तो सोमी खान अब तक उसे 10-15 बार सॉरी बोल चुकी होती और उससे बात करने का ट्राई भी करती। दरअसल ये बात उस वक्त की है जब दीपक ठाकुर, रोहित सुशांती, रोमिल चौधरी और सोमी खान ये बाहर बैठे होते हैं और बातचीत कर रहे होते हैं। तो इस दौरान सोमी आती हैं और दीपक से बात करने का ट्राई करती हैं, लेकिन दीपक ठाकुर कोई भी इंटरेस्ट नहीं शो करते हैं कि वो उनसे बात करना चाहते हैं। और रोहित को बताते हैं, तुम्हें पता है मुझे इससे नाराज हुए कितना दिन हो गया है, लेकिन अभी तक इसने आगे से मुझसे बात करने की ट्राई नहीं की है और नॉट इवन अभी तक इसने मुझे ढंग से एक बार भी सॉरी बोला है। अगर मेरी जगह रोमिल होता या फिर कोई और भी होता ना, तो सोमी अब तक उसे 10-15 बार सॉरी बोल चुकी होती और आगे से आती उससे बात करने के लिए। सोमी खान दीपक ठाकुर से कहती हैं, और ले 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 दीपक, क्या हुआ बेबी को? दीपक ठाकुर कहते हैं कि सोमी अब इससे क्या फायदा है, जब तुम्हें लगता ही नहीं कि तुम गलत कर रही हो तो अब ऐसे बातें करने से फायदा ही क्या है, हम तुमसे बात करना ही नहीं चाहते हैं। और इस तरह से सोमी खान भी कहती हैं कि अगर तुम्हें बात नहीं करनी है तो मैं भी तुमसे बात नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि जब से तुम नाराज हुए हो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तुम्हें पता है मैं सुबह से रोए जा रही हूँ कि तुम इतने परेशान हो, पर तुम्हें तो मेरी कदर ही नहीं है। और इस तरह से उन दोनों के बीच में बातें जारी रहती हैं। बिग बॉस 12 से जुड़ी ऐसी ही कॉन्ट्रोवर्सीज, लड़ाई झगड़े, हंसी मजाक, मौज मस्ती और बिग बॉस हाउस से जुड़ी और भी कई खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, क्योंकि आपको बिग बॉस 12 से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले यही मिलेगी। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।